साधु भाई, शहर में माल की बहुत किल्लत होती जा रही है भाई, माल भिजवाओ। माल भेज रहा हूँ, पेमेंट तैयार रख। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ इंस्पेक्टर, आओ। और बता यार, क्या हाल है? शहर के कुछ हालात बता यार। इसमें क्या, शहर में इस तरह फैलता जा रहा है, परेशान है इसके मारे। इसने शहर में नाक में दम कर रखा है मेरे में यार। क्या भला क्या है इसमें, जरा समझा मुझे। इसमें एक मद पदार्थ है जो विशेष प्रकार के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बनाया जाता है, और वो कई तरह से लिया जाता है, जैसे सूंघ कर लिया जाता है, जला कर लिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए भी लिया जाता है, और फिर जब लेते हैं तो साइकोसिस हो जाता है। साइकोसिस का मतलब होता है इसका मानसिक असंतुलित हो जाना, ठीक। फिर वो एक विशेष अवस्था में पहुंच जाता, उस अवस्था को बोलते हैं हालुसिनेशन। ये हालुसिनेशन क्या है? हालुसिनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो बार बार आना चाहता है, एक विशेष आनंद की अनुभूति महसूस करने लगता है, लेकिन वो गलत होती है। कैसी गलत? जैसे उसको लगता है कि सामने वो चीज है, लेकिन जबकि वो चीज सामने होती नहीं है। उसको लग रहा है कि एक चींटी हमारे ऊपर चढ़ रही है,
तो उसको लग रहा है कि चींटी चढ़ रही है, तो उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो है लेकिन वो होती नहीं। ये है हालूसिनेशन। ट्रैवलिंग जानते हैं क्या? नहीं जानते। सुन, ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि जब वो डोज नहीं मिलता उसको तो वो छटपटाने लगता है। तो कैसे? जब तक उसको वो डोज नहीं मिलेगा तब तक वो इधर से उधर, उसको नीचे कोई सड़ी सड़ाई सुई मिल गई ना, उसको पता है कि वो HIV पॉजिटिव है, फिर भी वो उसका प्रयोग करेगा क्योंकि वो उस दुनिया में जाना चाहता है जो हालूसिनेशन से प्राप्त हुई है। ये देख, ये रिपोर्ट देख, ये सब इसमें की ही रिपोर्टें हैं, समझे? ये हाल है। जब कोई इंसान इसमें को छोड़ना चाहे तो किस तरह से छोड़ सकता है? इसमें कभी एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे भारी नुकसान हो सकता है, इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। इससे सीधा BP कम होता है, एंजाइटी होता है, और तो और कभी कभी वो हिंसक प्रवृत्ति भी अपना लेता है। बिल्कुल वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाता है, क्योंकि उसको तो वही दुनिया चाहिए, इसलिए उसको सबसे पहले भर्ती कराना चाहिए अस्पताल में, और उसको सेम इफेक्ट वाली जो मेडिसिन है वहाँ दी जाती है, तब जाके उसका धीरे धीरे डोज कम करते करते उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, निकलता हूँ यार, पता नहीं क्या होगा इस शहर का। चेतन, 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 चेतन क्या हो गया तुझे? चेतन, चेतन, चेतन। भैया मैं कभी इसमें कनस नहीं करूंगा, भैया मुझे बचा लो। भैया मुझे पता नहीं था इसमें कितनी खराब चीज होती है, मैं कभी किसी चीज का नशा नहीं करूंगा भैया, प्लीज मुझे बचा लो भैया। लड़कों के साथ गुमटी के पीछे नशा करते देखा था। और आया शिकायत करने वाला, काश उस दिन मैंने उस आदमी की बात मान ली होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ।